आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खाटू श्याम महाराज के भक्तों के द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए। यहाँ आप देख सकते हैं एक साथ सभी लोग निकलकर खाटू श्याम परिवार के द्वारा जन्माष्टमी को मनाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ध्वज पर आपको दिख रहे होंगे खाटू श्याम महाराज भी यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और रथ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरती हुई ये यहाँ यात्रा आपको दिख रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समूचे देश में खाटू श्याम परिवार के सदस्यों के द्वारा जन्माष्टमी के पर्व को बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया गया। धार्मिक जितनी परंपराएं हैं परंपरागत तरीके से देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, भगवान श्री कृष्ण भी ध्वज पर दिखाई दे रहे होंगे। शिव की नगरी के विभिन्न मार्गों से होकर ये पूरा का पूरा जलूस यहाँ यात्रा गुजरती आपको दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। खाटू श्याम परिवार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाबा श्याम के दरबार में जन्माष्टमी का विशेष आयोजन वैसे तो किया गया और समूचे देश में 26 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश के देवालयों में मनाया गया। इस विशेष दिन को लेकर विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम महाराज के मंदिर में भी भव्य तैयारियां हो लगातार जारी रहीं। बाबा श्याम को महा 56 भोग लगाया गया, मंदिर में महाआरती हुई और खाटू श्याम परिवार के सदस्यों के द्वारा शिव की नगरी में एक आयोजन किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं जगह जगह इस शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया लोगों के द्वारा। शोभा यात्रा को जहाँ जहाँ से शोभा यात्रा गुजरी वहाँ वहाँ खाटू श्याम परिवार के सदस्यों के द्वारा शोभा यात्रा में शामिल जितने भी लोग शामिल रहे उन सभी लोगों के लिए जलपान की व्यवस्थाएं की गई, फल वितरित किए गए। पूरे मार्ग में आपको हर जगह ये दिखाई देंगे। जितने भी लोग यहाँ आपको दिख रहे होंगे सभी को पानी और अन्य चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। देखिए आप खाटू श्याम परिवार के सदस्य एक के बाद एक लगातार वाहन रैली के रूप में शहर भ्रमण करते हुए आपको दिख रहे होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शिव की नगरी पूरी तरह कृष्णमय हो गई थी, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार ही आपको अपडेट्स देता आया है, शहर के हों, सिवनी शहर के हों, मध्य प्रदेश के हों अथवा राष्ट्रीय स्तर के, हर जगह के अपडेट्स समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही अपने दर्शकों को उपलब्ध कराते रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया, हम आपको बता दें कि अब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया एक धार्मिक चैनल भी एक लेकर आया है, जिस धार्मिक चैनल में सभी धर्म वर्ग संप्रदाय सभी के जो मान्यताएं हैं प्रचलित कथाएं हैं उन्हें स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार ही इस बारे में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की पूरी टीम सक्रियता के साथ लगी हुई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। खाटू श्याम महाराज के खाटू श्याम परिवार के सदस्यों के द्वारा
इस आयोजन को किया गया। यहाँ पर मातृ शक्तियाँ भी आपको दिख रही होंगी, मातृ शक्तियाँ आगे चल रही हैं और पीछे पीछे जलूस की शक्ल में बहुत लंबी रैली आपको दिखाई दे रही होगी। छोटे बच्चे भी आपको यहाँ दिखाई दिए होंगे और कैसे नाचते गाते कृष्ण कन्हैया के भक्ति में सराबोर होकर आपको यहाँ पर ये सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे, खाटू श्याम परिवार के सारे सदस्य। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम महाराज जरूर लिखिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।